तो दोस्तों आज का प्रीव्यू तो देख लिया, वीडियो का सामने वाला। दोस्तों आज मैं पुरुलिया न्यू सैड सॉन्ग में सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर खुद का फोटो लगा के इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है एक कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पीएनजी यूज करने वाला हूँ सभी मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। और जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ, इफेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद नीचे जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, ये नीचे प्रोजेक्ट ऑप्शन को टच करना होगा। और ये जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो ये जो रेक्टेंगल है, इसमें इफेक्ट में देखकर रखा हूँ, तो ये जो रेक्टेंगल है इसको कुछ भी छिड़खानी नहीं करना है। और दोस्तों देखो ये जो बीट है, ये बीट में मैं इफेक्ट को बनाया हूँ। देखो ये बीट में अगर आप भी कोई अलग इफेक्ट बनाना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट बीट में आना होगा। और फर्स्ट बीट में आने के बाद जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो फोटो को ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा। और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं फोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना और इधर से पिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो एकदम लास्ट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो फोटो का जो साइज है एकदम लास्ट में आ चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, ऐसे साइड में दबा के रखना होगा और नीचे जो सॉन्ग है उसके ऊपर रखना, रख देना। देखो तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा फोटो में, देखो कुछ इस तरह। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो फिर से फर्स्ट में आ जाना। और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक नीचे ब्लैक शैडो ऐड करेंगे। तो नीचे ब्लैक शैडो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना और ये वाला रेक्टेंगल को ले लेना। उसके बाद दोस्तों ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर लेना। और ये जो कलर एंड फिल ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। और देखो ऊपर में जो डॉट है ये डॉट को नीचे, और ये जो डॉट है ये डॉट को ऊपर की तरफ ऐसे करके रोटेट कर लेना। देखो कुछ इस तरह करके रोटेट कर लेना। और ये जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। और ठीक से दोस्तों एडिट कर लेना ये सब को। और ठीक से एडिट करने के बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट, मतलब ये जो नीचे जो शैडो है वो ऐड आपको देखने को मिल जाएगा ऐड होते हुए, देखो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, जो मेन फोटो है ये मेन फोटो में आप इफेक्ट देंगे। तो दोस्तों मेन फोटो में इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। और जो मेन फोटो है नीचे, ये मेन फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में कुछ इस तरह मैं इफेक्ट देकर रखा हूँ। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना और फिर से इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल टू है, मतलब दो रेक्टेंगल लेयर है, एक टू और एक थ्री, तो ऐसे दबा कर रखना होगा और सिलेक्ट कर लेना। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके कॉपी टू लेयर कर लेना। कॉपी टू लेयर करने के बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से पेस्ट टू लेयर कर देना। तो देख सकते हो फर्स्ट में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट में आना होगा। और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक पीएनजी फोटो ऐड करना होगा। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और ये जो पीएनजी फोटो है, ये पीएनजी फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और देखो ये वाला पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और ऐसे करके नीचे की तरफ रख लेना जहाँ आप रखना चाहते हो। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको पीएनजी फोटो देखने को मिल जाएगा। तो एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बीट में आ जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना।
तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट में आना होगा और फर्स्ट में आने के बाद एक दोस्तों PNG बॉर्डर को ऐड करेंगे। PNG बॉर्डर जो है ये बॉर्डर मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना, नहीं होगा नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये जो PNG बॉर्डर है ये PNG बॉर्डर को ऐड कर लेना। देखो ये वाला PNG बॉर्डर को, और बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आ जाना, नीचे जो शैडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ऑन कर लेना। और ये जो साइज अपने हिसाब से रख लेना, और ये जो नीचे जो एक्स वाई 3-3 रहेगा इसको 0-0 कर देना, और एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बिट में आ जाना, ये ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो कुछ इस तरह आपको जो बॉर्डर है देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करके आप स्टेटस को बना लेना। तो मेरा जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका है दोस्तों, आप भी ऐसा करके बना लेना। और स्टेटस बना हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर में जो चार ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।